assalamu alaikum dear students today we are in the lecture number 32 of the database management system course the course code is cs403 as you know for last some few lectures we have been doing the sql sql is the tool that is most commonly used to manipulate the relational databases and we studied that there are three major components major Types of statements in SQL and they were the data definition language, the data manipulation language, and data control language. We studied data definition language and data manipulation language in detail, and for data control language, I left it to you on. Data definition language may have create statement details. We also studied the alter statement.

वी ऑल्सो स्टडी डिफरेंट क्लॉजिज ऑफ दिलेक्ट स्टेटमेंट और उसमें हमने देखा कि फ्रॉम क्लाज है वेयर क्लाज है इसके अलावा हमने ग्रुप बाय पढ़ा ऑर्डर बाय पढ़ा इसके अलावा हमने सब uh, क्यूरीज के बारे में पढ़ा तो देर आर डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द एसक्यूएल और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि टू हैव ए बेटर कमांड टू हैव ए गुड कमांड ऑन द रेशनल डेटा बेसिस इन जनरल एंड एसक्यू एल इन पर्टिकुलर यू नीड टू हैव ए वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ द एस तो आप जो हमने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए डाटाबेस बनाया हुआ है आप उसके ऊपर ही मुख्य स्टेटमेंट्स अप्लाई कीजिए और मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम एक्सपर्ट ऑन इट और ख़ास तौर पे जो जॉइंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि उससे आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ख़ास तौर पे जिसमें जब आप सेल्फ जॉइन करते हैं तो सेल्फ जॉइन के बारे में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उस के बारे में भी अगर आप क्लियर हैं तो वो आपको फ़ायदा मंद है ओवरऑल एस के अंदर तो आज इस लेक्चर के स्टार्ट पे एस को समराइज करने का यही पर्पज़ है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए हमने लगभग बीस पॉइंट फाइव और फाइव और सिक्स लेक्चर्स ऑन एस तो लेकिन स्टिल लॉट ऑफ एस इज यट टू बी कवर्ड तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोई बुक ले लीजिए एस क्यू वहाँ से देख ले तो जितना आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसमें रिलेशन डाटा बेसिस में और एसक्यूएल में इसका फायदा होगा द पर्टिकुलर कंपोनेंट और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर कोर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा डेटाबेस का जो डेवलपमेंट का या डेटाबेस डिज़ाइन का जो फेजेस हैं वी हैव पास्ड थ्रू डिफरेंट फेजेस पहले फेज में जैसा कि आपको याद होगा कि वी स्टार्टेड विद दी इनिशियल स्टडी फेज या प्रीलिमिनरी स्टडी फेज उसमें ऑब्जेक्टिव था कि हम जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी स्टडी करें उसको अंडरस्टेंड करें उसके बाद इसी फेज के दौरान वी ऑल्सो गैदर दूजर्स रिक्वायरमेंट्स जो डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं क्वेश्चन डिलीवर करते हैं डिफरेंट मीज इख्तीय करके हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट यूजर ग्रुप्स की उनको इकट्ठा करते हैं द सेकंड वाज़ द एनालिसिस फेज उसमें होता है कि हम एनालाइज़ करते हैं हम इस पर गौर करते हैं इस पर कोई टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए वी डिसाइड और वी डिज़ाइन के हाओ वी आर गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स और वेन वी टॉक अबाउट द डाटा डिजाइन प्रोसेस उसमें जो फोकस होता है वो ये होता है कि वट इज़ द फॉर्म ऑफ डाटा वट आर एग्जैक्टली द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट डाटा आइटम्स के दैट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द डाटा बेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स ग्रुप्स अब डाटा बेस डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि आप वो डाटा बेस डिज़ाइन करें फिर उसमें यह है कि You also identify different forms of constraints that are there in the environment in the system. So constraints ko identify or some of them they are expressed in the database design. Okay, aapne design ki design ke humne teen major type ki jo design would discuss ki hai, ka humne kaha ke conceptual database design and for that. We generally used a semantic data model. And in this course, we used the ER data model. We studied it in detail and studied it. After that, We studied that there is a logical database design. We transform it into the logical database design. The conceptual database design is independent of any particular data model.

जिस हम जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे उसमें डी नॉमनाइजेशन भी हम कर लेते हैं फिर उसमें इंडेक्सेज के बारे में सेलेक्ट करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीशन डेट आर मेड ड्यूरिंग द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन उसके बाद फिर हमने एस्कुल का पोर्शन पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि वंस वी हैव डिसाइडेड आवर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन नो द नेक्स्ट के वी एक्सप्रेस इट वी ट्रांसफॉर्म इट इन टू द टेबल्स हमने वो जो डिजाइन बना लिया था अपना जिसको हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को फाइनल कर लिया था उसको वी देन इट यूजिंग द एस क्यू एल एस क्यूल की स्टेटमेंट जैसे क्रिएट स्टेटमेंट है फिर उसमें आप डिफरेंट कॉन्सटेंट अगर डिफाइन करने हैं तो आप टेबल टे, के जरिए भी उसमें आप कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं तो ओवरऑल इस सारी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने राइट फ्रॉम योर प्रिलिमिनरी फेज आपने तमाम स्टेज uh, uh, से स्टेप से गुजरे और ऑब्जेक्टिव वाज के आप अपने डाटा को कैसे डिजाइन करें दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स और फिर थ्रू यूजिंग एस क्यू एल या जैसे मैंने आपसे कहा था कि आजकल के जो डेटा हैं जो डिबी एम हैं मोस्ट ऑफ दैम दे प्रोवाइड यू द टूल एंड यूजिंग दोज टूल यू डू नॉट नीड टू यूज द एस क्यू एल आप सिंपली इसको टूल्स को, को इस्तेमाल करते हैं और अंडरलाइन जो एसक्यूल के स्टेटमेंट्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड और जनरेटेड बाय द टूल तो ये जो हम हम जो डी बी कर रहे हैं दैट इज़ द सीकुल सर्वर और उसमें भी एक आपके पास टूल अवेलेबल है जो कि आपको टेबल डिज़ाइन करने में हेल्प करता Even Microsoft access है इवन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसमें और आलमोस्ट ऑल जो डी बी एम हैं उनके अंदर ये मौजूद है लेकिन बहरहाल एज ए डेटाबेस प्रोफेशनल यू मस्ट नो द एस कि आप किन स्टेटमेंट्स के जरिए यू एक्चुअली क्रिएट द टेबल्स अब हमारे कोर्स की सूरत हाल ये है कि अब हम उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि हमने उन तमाम फेजेस से गुजर के वी हैव क्रिएटेड द टेबल्स और एज ए प्रॉपर एज ए ट्रू डाटाबेस प्रोफेशनल आपको इस प्रोसेस के ऊपर यू मस्ट हैव द कमांड तो इसकी थियरी का इसकी तमाम जो टेक्निकलिटीज uh, है उसको आपको अंदाजा होना चाहिए लेकिन इस पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किल अगर आपके पास uh, सिर्फ डाटाबेस डिजाइन आ गया तो ऑब्वियसली इट इज ऑफ नो यूज फॉर द एंड यूजर जो एंड यूजर है वो तो इतनी ही ही और शी और दे नीड द कंप्लीट प्रोजेक्ट द कंप्लीट पैकेज जिसमें वो उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो वो हो और बल्कि उनको तो शायद डेटाबेस डिज़ाइन से कोई कंसर्न ही नहीं है उनका कंसर्न तो ये है कि वो जब जो सिस्टम उन्होंने आपसे डेवलप करवाया है जब वो रन करें तो वो वो तमाम काम कर रहा हो जिसके लिए कि उन्होंने आपको कहा है करने के लिए नो अंडरलाइन डिज़ाइन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट एट ऑल तो इसका मतलब यह है कि हम अपने कहना चाहिए कि जो डिजाइन प्रोसेस है ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके एक करेक्ट आपके कंसिस्टेंट आपके एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम जो आप अल्टीमेटली डेवलप करेंगे उसकी बेस प्रोवाइड करता है विदाउट ए प्रॉपरली डिजाइन डेटाबेस यू कैन नॉट हैव ए गुड सिस्टम जो उसकी फंक्शनलिटी है लेकिन स्टिल ये पार्ट जो है ये यूजर के इंटरेस्ट का तो यही पार्ट है कि जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम वो बने हुए हो तो उनके जो कि वो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो जो कि यूजर ने आपसे कहा था तो हमारे कोर्स का जो ये पार्ट है इसमें हम उस चीज पर कंसनट्रेट कर रहे हैं कि ये आप जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ये कैसे डिवेलप होते हैं इसमें वी विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल इन टू दिस टॉपिक क्यों उसकी रीजन ये है कि इसमें आप जो है वो नॉर्मली कोई ना कोई एक प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यू नीड टू यूज़ सम लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज का जो स्टडी करना है वो जाहिर है कि वो लिंक्ड है किसी और कोर्स के साथ या आया आपने इस कोर्स के साथ पहले पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए आपको जो हमारा ये लेक्चर है और आइंदा का लेक्चर है इसमें आई गिव यू द आइडिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और इसमें क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और मैं आपको एक एक स्मार्ट सी छोटी सी डेमो भी दूंगा लेकिन इसकी जो एक इन डेप्थ एप्लीकेशन है इसकी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप डिपेंडिंग अपॉन योर अदर कोर्सेज या इस कोर्स में क्योंकि इस कोर्स में आपके लिए एक फुल फ्लैज लैंग्वेज स्टडी करना ऑन योर ओन वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन अगर आपने कोई लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है तो उस बेस पे आप ये इसकी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो भी इसमें पैदा कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में जो देखेंगे वो ये कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कैसे करते हैं तो उसको फिर आपने बाद में उसको जो उसमें बाकी मीट है उसमें वो आपने खुद उसमें ऐड करना होगा तो आज के लेक्चर का हम यहां से स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स रिटर्न टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पोस्ट बाय द यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन

इवन दे आर डिफरेंट पीपल तो उसमें यह नॉर्मली डिवेलपर्स uh, जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अब ये uh, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिवेलपमेंट है इट कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर यू हैव डिजाइंड द डाटा बेस या इट कैन बी परफॉर्म्ड इन पैरल जब आपने अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में अब कुछ अंदाजा हो गया आपने अपना कंसेप्ट डेटा डिजाइन ले लिया कुछ आप जो प्रोग्राम है वो इन पैरेलल भी रन कर सकते हैं कि जिस दौरान तो आप अपना डेटाबेस फाइनल कर रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज़ों के बारे में आप इफ़ यू फील लाइक ये किया जा सकता है या एक और पॉसिबिलिटी होती है कि बाज़ दफ़ा जो सिस्टम डेवलपमेंट की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं डेटाबिस्ट की उनमें से एक अप्रोच है प्रोरोटाइप उसमें आप ये कर दें कि आप एक, एक आप कैसे रफ सा कह लें या एक टेंटेटिव सा प्रोग्राम डिवेलप करते हैं और वो यूज़र्स को दिखा देते हैं अगर वो कोई चेंजेस कहते हैं तो वो दोबारा से उसको ले आते हैं दोबारा चेंजेस करते हैं तो इस अप्रोच के तहत भी या इन एनी केस के कहने का मतलब ये है कि आप जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो डाटा बेस डिज़ाइन को फाइनल करने के बाद भी कर सकते हैं शुरू या यू कैन ऑल्सो रन इट इन द पैरल विद द डिज़ाइन प्रोसेस कि जो आप चीज़ें अस्यूम करने के साथ या जहाँ पर डाटा बेस इस्तेमाल नहीं हो रहा वो उस तरह के प्रोग्राम आप इन पैरल भी बिल्ड कर सकते हैं टूल सिलेक्शन इज क्रिटिकल बट जाहरा है कि आज के इस दौर में वनवर यू वांट टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी देर आर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल टू यू तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि भी आप किस टूल में डेवलप कर रहे हैं तो इसमें यह है कि आप नॉर्मली ऐसा होता है कि जो डिवेल्पर हैं जिसमें वो कन्वीनियंट फील करता है नॉर्मली वो उस टूल को सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा द सेम फंक्शनैलिटी कैन बी परफॉर्म यूजिंग डिफरेंट टूल्स लेकिन जाहिर है कि इफ द डिवेल्पर इज फेमिलियर विद समिंग तो उसमें वो अगर डिवेलप करना चाहेगा तो वो ही विल फील मोर कंफर्टेबल इसलिए वो उस पर जाएगा लेकिन इसको हमेशा अपनी प्रायोरिटी मत रखिए अगर किसी जगह बहुत स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है और उसमें बजाय उस टूल के कि जिससे आप फेमिलियर हैं उसके बजाय कोई और टूल सूटेबल है तो चाहे आपको नया टूल सीखने में कोई मेहनत करनी पड़े या इवन इफ यू हैव टू हायर समवन एल्स हु इज एक्सपर्ट इन दैट टूल तो ये भी कर लीजिए लेकिन आप हमेशा ऐसा मत कीजिए कि अपनी प्रेफरेंस को अल्टीमेट रखें और आप यूजर रिक्वायरमेंट को मत दें जनरली जो एक्टिविटीज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम में शामिल होती हैं दे आर वेरी जनरल हीयर वो आप इसको हर जगह प्लान नहीं कर सकते बट इन मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में के मिसाल के तौर पर इस खासतौर पर पहली बात तो जो उसमें होती है वो है डाटा इनपुट प्रोग्राम्स यानी ऐसे प्रोग्राम जिसके ज़रिए कि आप डाटा data को डाटा बेस में एंटर करते हैं लाइक डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट रिलेशन के अंदर आप डाटा इनपुट करते हैं और ये प्रोग्राम जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए एनी फंक्शनैलिटी दैट यू हैव टू डिप्लेटर द डाटा दैट यू हैव पुट इनटू टू द डाटा दैट डाटा प्रोवाइड्स यू द बेसिस फॉर एक्टिविटीज। तो अगर ये डाटा जो आपने इनपुट किया वो सही नहीं था सही फॉर्मेट में नहीं था टेक्निकली सही नहीं था जो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर डाटा इनपुट ठीक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो आप उस डाटा के बेस पर जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं बल्किट प्रबल कि वो उसमें गलती होगी और आपका कह कि ओवरऑल सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा इसलिए जो डाटा इनपुट प्रोग्राम्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम एडिटिंग आपको डाटा चेंज करना होता है आपको डिलीट करना होता है मॉडिफिकेशन करनी होती है तो ये तमाम इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एडिटिंग इसके अलावा डिस्प्ले मुख्त फॉर्म में आपको रिजल्ट चाहिए है होते हैं स्क्रीन के ऊपर फिर कोई भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं मिसाल के तौर थिंक अबाउट जो हमारा है एक, हमारा एग्जाम सिस्टम है इन दैट वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन जब जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक लाइक एडमिशन सिस्टम हो गया तो उसमें मेरिट uh, कैलकुलेट करना दैट इज़ एन एक्टिविटी जिसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि दैट एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द डाटा दैट यू प्लेसड इन टू द डाटा बेस इसी तरह इफ़ यू थिंक अबाउट ए बैंकिंग सिस्टम तो वहाँ पर लाइक like, प्रॉफिट कैलकुलेट करना डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे दैट इज़ एन एक्टिविटी इसी तरह अगर आप किसी किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो आप उनकी डेली जो प्रोडक्शन है या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन है उसको कैलकुलेट करना दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ जिसके लिए कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके अलावा ये है कि रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स भी सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले के की के बज दफ़ा आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो स्क्रीन पे चाहिए होती हैं बज दफ़ा यू नेट दैम ऑन द प्रिंटर हार्ड कॉपी चाहिए होती है तो रिपोर्ट्स भी एक ऑलमोस्ट परमानेंट फीचर है किसी भी डेटा बेस सिस्टम का यूज़र इंटरफेस यूजर इंटरफेस से मरा यह है कि वो आप कह लें स्क्रीन कह लें वो आपका जो एक आ, कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वो आउट उस स्क्रीन के हैं कि जिसके थ्रू आप डाटा के बेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड यूज़र जो है उसकी बात हो रही है यानी वो कंप्यूटर स्क्रीन जिसके जरिए एक एंड यूज़र है वो कम्युनिकेट करता है डाटा बेस के साथ दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस तो तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो यूज़र इंटरफेस के जरिए परफॉर्म होती हैं डाटा के ऊपर गेट वे टू डाटा बेस वर्ल्ड फॉर एंड यूजर्स जहरिक एंड यूजर्स के लिए यूजर इंटरफेस ही है जिसके जरिए वो डाटा बेस को एक्सेस करते हैं या कोई भी ऑपरेशन करते हैं मेन कंसर्न ऑफ यूजर्स इन एन एप्लीकेशन इट इज़ क्रुशल देखिए जो आप डाटा बेस में आप डाटा बेस के डिजाइन के अंदर डाटा बेस की जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उनकी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इवन यू हैव परफॉर्म ए वेरी बिग टास्क आपने कोई तोफ चला दी हुई है द एंड यूजर विल नॉट हैव एनी एनी नॉलेज ऑफ एंड यूजर विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दैट व्हाई बिकॉज दैट इज ए टेक्निकल थिंग वो आप किसी ऐसे बंदे को समझा सकते हैं उससे अप्रिशिएशन ले सकते हैं हु नोज प्रोग्रामिंग हु नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द टूल दैट यू अफ यूज तो उसके लिए तो यानी जो आपने प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा हुआ उसके अंदर आप कोई भी बड़े से बड़ा काम कर लें यूज़र से आपको नॉर्मली उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपने जो इंटरफेस बनाया हुआ है जिसके ज़रिए यूज़र कब डाटा बेस से इंट्रैक्शन कर रहा है अगर वो आपका डट से खूबसूरत है वो इस्तेमाल करने में आसान है यूज़र को जो चीज़ें चाहिए उसमें मौजूद हैं तो यूज़र उस बेसिस पे आपको इतना अप्रिशिएट कर सकता है इवन कि अगर आपके सिस्टम की वर्किंग में कोई थोड़ी मोटी गलतियां हैं तो हो सकता है वो उनको भी इग्नोर कर दे यानी बास केसेज में नहीं बल्कि अक्सर केसेज में यूज़र इंटरफेस इज सो इंपॉर्टेंट हालांकि हो सकता है कि फ्रॉम अ डिवेलपर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप खुद डिवेलप कर रहे हैं तो आप ये फील करेंगे कि नहीं इसमें जो काम हो रहा है जिसकी फंक्शनैलिटी है वो अगर सही हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू बी अमेज टू नो कि वो इसे बिल्कुल बरक्स मसला है तो अगर आपका इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम है जिससे यूज़र खुश नहीं है तो वो हो सकता है कि वो आपकी तमाम एफर्ट्स से पानी फेर दे कि जो आपने हो सकता है कि बहुत बड़ा काम किया वो उसमें जो जो आपने एप्लीकेशन डेवलप की जो आप नीचे प्रोग्राम लिखे हुए हैं दैट इज़ वाई यू शुड नॉट टेक द डिज़ाइन ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइटली इस पे भी आप उतनी ही कंसंट्रेशन से काम करें जिस जितनी कंसंट्रेशन के साथ या जितनी तवज्जो के साथ जो वर्क ऑन योर डिज़ाइन क्योंकि यूजर के लिए ये क्रुशल है ये इंपॉर्टेंट है और अगर यूजर के लिए है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए भी है बिकॉज आफ्टर यूजिंग द इंटरफेस आफ्टर सीइंग द इंटरफेस तब यूजर अपनी सेटिस्फैक्शन का या डिससेटिस्फैक्शन का वो उस पर आपको सर्टिफिकेट देगा तो अगर यूजर उसका यूजर, यूजर इंटरफेस ठीक नहीं है तो इस वेरी लेस लाइकली कि आपको उधर से कोई अप्रिसिएशन या वो आपका सिस्टम वो अप्रूव करेंगे नॉर्मली जो यूजर इंटरफेसेज हैं उन्हें हम कहते हैं टेक्स्ट बेस्ड होते हैं या वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं या उनको हम ब्रीफली गोई भी कहते हैं और वैसे जो टेक्स्ट बेस्ड आपके यूजर इंटरफेसेज हैं वो आज के दौर में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते आज के दौर में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं हमारे इंटरफेसेज दे आर ग्राफिकल और इनको नॉर्मली हम जो इंप्लीमेंट करते हैं और ख़ासतौर पर डाटा बेसिस की अब हम अगर डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें नॉर्मली फॉर्म्स कहा जाता है तो अगर हम ये कहें कि हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं इसका मतलब यही होगा कि वी आर डिज़ाइनिंग ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के, के ज़ाहिर है हम डिज़ाइन कर रहे हैं एज ए डिवेल्पर एज अ डिजाइनर हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं एंड वी आर डन विद इट दैन ऑबली दिस विल बी यूज बाई एंड यूजर वेल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस और मैंने आपसे कहा कि ये आजकल मतलब हार्डली आपको कहीं नज़र आएगा लेकिन नॉर्मली इसका आइडिया यही है कि इस तरह से आपको आ, टेक्स्ट की शक्ल में डिफरेंट ऑप्शन दी जाएंगी कि अगर आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ये प्रेस करें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ये की प्रेस करें और फिर हो सकता है जब आप एक की प्रेस करें उसके बाद एक और मेन्यू आ जाए इसी तरह का और इस तरह से आप आगे बढ़ते तो दिस इज़ समथिंग एंटीक नाउ अब आपको ये आजकल के सिस्टम में इतनी नहीं मिलती फॉर्म्स कहें या जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहें नॉर्मली आज के दौर में जो फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं उनकी आप दो ब्रॉड कैटेगरीज कह सकते हैं एक तो आप कहते हैं कि ब्राउजर बेस्ड है ब्राउजर बेस्ड वही हमने कहते हैं कि जिसका जो लेआउट है जिसका स्टाइल है वो आपका जो वेब ब्राउजर्स हैं उनकी स्टाइल का है तो उसका आपको इस तरह के फॉर्म बनाने का आपको एडवांटेज यह है कि दे देन बिकम जनरल कि अगर आपने उसको एक पर्सनल कंप्यूटर पे या पर्सनल यूज पे करना है सिंगल यूज पे करना है तो भी वो आपको वही स्टाइल नजर आएगा एंड इफ यू वांट टू पुट इट ऑन द नेट फर्ज कर या लैंड पे प्लेस करना चाहते हैं तो भी आपको सेम फॉर्मर नजर आएगा तो एक इफ यूज़र इज़ गिवन दिस फॉर्म ऑफ फॉर्म तो वो ये कि वो उससे ज़्यादा फ्रेंडली फील करता था उसमें ईजी महसूस करता उसको इस्तेमाल करते हुए क्योंकि हो सकता है कि आपको यूजर जो है वो नेट सम, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए

बहुत सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि औरकल के साथ डेवलपर आपको मिलता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो उसका अपना एक फॉर्म डिज़ाइनर है लेकिन अगर आप सीक सर्वर की बात करें तो उसमें नॉर्मली आप विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करते हुए आप अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उसमें फंक्शनैलिटी आप ऐड करते हैं फॉर्म टूल सपोर्ट सिंपल बिल्ड इन फंक्शनैलिटी आप फॉर्म टूल किसी भी डी बी एम एस के साथ इस्तेमाल करें चाहे आप इस्तेमाल साथ इस्तेमाल करें जो उसका अपना डिवेलपर uh, है या आप एक्सेस में इस्तेमाल करें या कोई और फॉर्म डिजाइनर इस्तेमाल करें नॉर्मली आइडिया ये होता है कि द फॉर्म टूल हेल्प्स यू इन द ले आउट ऑफ द फॉर्म के चीज़ें नज़र कैसी आएंगी और उसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी उस फॉर्म के अंदर दम गिव्स यू द फैसिलिटीज़

और बाकी जो रह जाएंगे और बल्कि जिसे मेजर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम कहना चाहिए दैट यू विल बी डूइंग यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं अगर आप डिवेल्पर की बात करते हैं औरकल के साथ इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसमें आप डिवेलपर इस्तेमाल करेंगे और फर्ज करें कि पीछे जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हो सकता है कि जो औरकल की अपनी लैंग्वेज है पी एल एस क्यूएल कोड ऐड कर लें या किसी और लैंग्वेज का भी हो सकता है इसी तरह इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं दोबारा मिसाल के तौर पे अगर आप सीक सर्वर के साथ अगर वी बी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कंट्रोल्स भी और जो बाकी फंक्शनैलिटी है वो भी आप विजुअल बेसिक के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए कर सकते हैं या कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फंक्शनैलिटी तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फॉर्म के थ्रू ही कर लेंगे और फर्दर जो उसमें जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट है जो चीज मिसिंग है दैट यू कैन इंप्लीमेंट थ्रू लेट्स ए वी बी जब कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आइडिया यही है कि देर डिफरेंट लेयर्स कि फर्स्ट लेयर पे आपने क्या किया यू पुट सम फंक्शनैलिटी इन योर डाटाबेस डिजाइन पहली स्टेज जब आपने टेबल्स डिफाइन किए आपने उन पर कॉन्स्टेंट डिफाइन किया हमने उसकी प्राइमरी की डिफाइन किए फॉरन की डिफाइन किए हमने उसके चेक्स डिफाइन किए सो दिस वॉज द फर्स्ट लेवल ऑफ चेक्स या रूल्स या कॉन्स्टेंट्स फिर सेकेंड लेवल कब आएगा वेन विल डिफाइन द फॉर्म्स और फॉर्म्स के अपनी जो प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करते हुए और थर्ड लेवल फिर वो होगा कि वैन यू विल बी यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्टीमेटली और जो आपके रियल एप्लीकेशन हैं उसमें इट इज़ वेरी हार्ड कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर लें विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि आपको जो उसके रूल्स हैं जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अल्टीमेटली यू विल हैव टू यूज़ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जैसे मैंने आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया है कि आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे जो भी डी बी एम इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे फॉर्म्स इस्तेमाल करने की और हर फॉर्म के साथ यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शन टू यूज एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम या ये कहें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए नो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या आप uh, उसे फॉर्म कहें इसमें आप देखिए कि डिफरेंट फील्ड जो हैं वो उसमें आपको नजर आ रहे हैं और इसमें आप डिफरेंट कंट्रोल्स के जरिए अभी हम इनको आगे डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट डिफेंट कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं और उनके ज़रिए आप इसको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एक टर्म uh, इस्तेमाल होती है uh, बहुत कॉमनली डवेलपमेंट सर्कल्स में या डिवेलपमेंट प्रोसेस में दैट इज यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस सो वट डू वी मीन बाई यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इसमें देखें कि पहली बात यह है कि वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स उसमें जो पहली जो कैटेगरी हमारे सामने लिखी हुई है दैट इज़ बिगनर टाइप बिगनर टाइप के जो यूज़र हैं उनमें ये चीज़ है कि फॉर देम यू हैव टू पुट इन टू योर इंटरफेस इंटू योर फॉर्म वट टू डू एंड हाउ टू डू यानी इसमें वो जो जो आपको यूजर इंटरफेस है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो उन्हें ना सिर्फ इसमें गाइड करे कि यहाँ उन्हें क्या करना है और साथ ये भी गाइड करे कि कैसे करना है और साथ ही ये कि जो उनके पॉसिबल एरर्स हैं इस दौरान के जिस दौरान के वो लर्न कर रहे हैं देर सॉर्ट ऑफ लर्निंग तो देखें चाहे आपने उनको इनिशियल ट्रेनिंग दे भी दी हो इवन देन वैन यू लीव दैम ऑन देयर ओन या जब उनको आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं देर आर क्वाइट चांसेस कि वो उसमें गलती करेंगे तो जब हम ये कहते हैं कि आप बिगनर लेवल के यूजर्स को यू ट्रेन दैम वट टू डू एंड हाउ टू डू और नॉट ओनली यू टेल दैम द इंटरफेस टेल्स दैम उसमें उनकी तरह उनके यानी उसकी गाइडेंस के लिए उन्हें पता हो कि वो एक्सप्लेनेशन हो वहाँ पे कि ये अब यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है ये दो बातें और प्लस इफ़ दे मिसअंडरस्टैंड समथिंग और इफ दे परफॉर्म समथिंग रॉन्गली तो आपके इंटरफेस में इतनी उसमें विजडम होनी चाहिए इतनी उसमेंस अब्जौर्ण, होनी चाहिए कि वो उसकी मिस्टेक्स को ब्जॉर्ब कर सके उसके बेस पे कोई ब्लेंडर ना क्रिएट हो जाए बल्कि वो उसको गाइड करे इस पर तो ये तो हमारे पास एक ये दिस इज व्हाट शुड बी देयर फॉर ए बिगनर लेवल यूजर इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट लेवल के यूजर होते हैं दे नो व्हाट टू डू कि भाई ये हमारे सामने फॉर्म है मुझे इसमें क्या करना है लेकिन दे नीड टू नो हाउ टू डू दैट तो उसके लिए अगेन मतलब आपको फिर एक निस्पतन कम लेवल की जो गाइडेंस है वो उनको देनी पड़ेगी क्या आप उसे कहेंगे ठीक है आपने ये कैसे करना है उनको आप तो थोड़ी सी ट्रेनिंग कोई एक उनके लिए ट्यूटोरियल कह लें कोई टूर कह लें वो आप उसमें रन करें जिससे वो एक दफा जल्दी लर्न कर जाएंगे कि हमें ये काम करना कैसे है तो आपको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हुए आपको इस तरह के यूज़र्स के लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा और फिर उसी तरह से एक और यूज़र्स के अलावा जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट उन्हें दोनों बातें पता है कि वट टू डू एंड हाउ टू डू अब अगर वो इनको दोनों चीज़ें पता हैं फिर उसमें एक चीज़ ये आती है कि आप उसके लिए उनके लिए ये जो इस्तेमाल है आपके इंटरफेस का उसको कम से कम बोरिंग या लेबोरियस बनाएं देखें आपने बिगनर लेवल यूज़र के लिए जो रूट रखा हुआ है क्या आप उसको बता रहे हैं अपने आप यहाँ पे इस जगह आपने क्या करना है और उसके लिए सडन स्टेजेस आपने रखी हुई हैं अगर आप और फिर साथ ही उसको ये भी बता रहे हैं कि ये काम करना कैसे है अगर वही तमाम स्टेज वही जो रूट है इफ़ यू फिक्स फॉर द एक्सपर्ट लेवल यूजर एटवेल एज वेल तो वो जो आपका एक्सपर्ट यूज़र है इट विल गेट बोर और वो उसके साथ इतना फ्रेंडली फील नहीं करेगा और वो मतलब उसके साथ वो जो ना वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होगा उसको इस्तेमाल करते हुए तो दैट इज़ वाई अगर एक तरफ तो उसमें डिटेल्स हैं कि आप बंदे को डिटेल में गाइड कर रहे हैं और तो साथ ही उसमें ऐसे भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसमें ये ऑप्शन चाहिए कि अगर कोई काम बंदा तेज़ी से करना चाहे बाई प्रेसिंग एट्स ए फ्यूअर कीज़ तो उसके ज़रिए भी आप उसमें ऑप्शन होना चाहिए मिसाल के तौर पर अगर आप देखें एक एक्सपर्ट यूज़र काम कर रहा है तो आप टेबलेट से अब उसने कोई डिटा एंटर किया नो ही हैज़ टू परफॉर्म सम एक्टिविटी तो उसके लिए बजाय इसके कि अब आप वो दोबारा माउस की तरफ हाथ बढ़ाए और माउस को प्रॉपरेट जगह ले पे जा, लेके जाए जहाँ पे एक बटन बना हुआ सेव का उसको प्रेस करे और फिर वो सेव करे उसके बजाय वो उसके हाथ ऑलरेडी कीबोर्ड के ऊपर हैं तो एक्सपर्ट यूज़र विल प्रेफर कि मैं वहीं पे हाथ रखे रखे बजाय हाथ मूव करूं इस सारी एक्टिविटी करूं मैं वहीं हाथ रखे रखे आई डू समथिंग और वो मेरा काम हो जाए तो इसका मतलब यह कि आपको ये दोनों ऑप्शन रखनी चाहिए कि आप चाहे कीबोर्ड के जो लेट्स से के है कि कोई बिगनर है अगर तो वो आराम से पकड़े माउस को और तसली से दो मिनट लगा के प्रॉपर जगह ढूंढे और वहाँ पे सेव का बटन प्रेस करे ये भी उसमें होना चाहिए आपके फॉर्म में लेकिन साथ एक यूज़र है जो कि एक्सपर्ट यूज़र है अटेंड किया की प्रेस की खड़क और दैट इज़ देयर उससे काम हो गया तो कहने का मतलब यह कि वेन वी कॉल ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तो माइंड इट आपको किसी एक टाइप का यूजर नहीं मिलेगा आपको हर तरह के यूजर मिल सकते हैं उसमें फिर यह है कि आपने यह देखना है कि जो मेजर आपके यूजर हैं वो किस टाइप के हैं तो आप मेजर फोकस उनके ऊपर रखें लेकिन अगर आपके पास बाकी लेवल्स के यूजर भी हैं डू नॉट इग्नोर देम क्योंकि यू हैव टू कीप ऑल ऑफ़ दम हैप्पी तो उसमें जाहिर है कि आप ये कहेंगे कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप ऑल पीपल हैप्पी लेकिन एटलीस्ट आपको कोशिशें करनी चाहिए आपके डिजाइन में ये होना चाहिए कि वो हर तरह के यूजर के लिए उसमें जो है ना वो यूजर फ्रेंडली हो अब जब तो आप यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करें तो उसके यही टिप्स हैं कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया फिर मेक यूजर्स इन चार्ज देखिए एक पॉसिबिलिटी यह है कि आप अपना जो इंटरफेस है उसको इतना परफेक्ट बनाते हैं कि वो यूज़र को हिलने ही नहीं देता इट फोर्स द यूजर एग्जैक्टली ऑन व्हाट इट वांट्स टू वो मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके एक फॉर्म के ऊपर पंद्रह फील्ड हैं पंद्रह अपने पंद्रह एट्रीब्यूटा इंटर करना है आप करें यह कि आप उसको एक वक्त में एक जो एट्रीब्यूट है उसको लाइव करें ऑन करें और बाकी जो चौदह हैं दे आर डेड यूज़र कैन नॉट एक्सेस दैम तो इसमें डाटा एंटर करवाएँ उससे और जब तसली कर लें डाटा ठीक है तो फिर उसको एक और एटीब्यूट ले जाए अब उसको ऑन कर दें बाकी अब चौदह जो हैं वो डेड है तो आप जैसे उंगली पकड़ के सोच चला रहे हैं और वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि वो जो यूज़र है आपका वो मतलब बिल्कुल एक लगे बंधे रास्ते के ऊपर और आंखें बंद करके बस उससे चलना है मे बी इससे आप अपने जो डेटाबेस की क्टनेस है जो उसकी जो उसकी कंसिस्टेंसी है इंटेग्रिटी है उसको तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन यूजर को यू आर बैडली अनोइंग द यूजर क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना कि हर तरह के यूजर हो सकते हैं और शायद किसी भी तरह का यूजर जो है वो इतनी ज्यादा अपने आप को जो है ना वो बंधा हुआ जो है वो इतना ईजी फील ना करे तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि यू शुड एक्सपेक्ट एज ए इंटरफेस डिजाइनर के जो आपका यूज़र है इट विल कमिट द मिस्टेक्स और आपके जो आपका डिज़ाइन है जो आपका फॉर्म है उसमें इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि आपकी जो यूज़र मिस्टेक्स करेगा उनको वो अब्जॉर्व कर सके और उन गलतियों के बेस पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो सके मिसाल के तौर पे ऐसा ना हो कि आप यूज़र की किसी मिस्टेक के रिजल्ट में आप अपना पूरे का पूरा डाटा डाटा ही उड़वा बैठें डिलीट करवा बैठे ऐसा नहीं होना चाहिए तो मतलब यह कि आपको जो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यूज़र गलती करेगा और आपको उसके केस में थोड़ा बहुत अगर इसमें कोई गड़बड़ भी हो जाती है तो उसमें रिकवर करने में इतनी आपके डिज़ाइन में आपके इंटरफेस डिज़ाइन में इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो उसको रिकवर कर सके इसलिए कहा गया कि आप यूज़र को बिल्कुल बाउंड ना करें बल्कि यूज़र यूज़र को ये फीलिंग दें कि अगर वो इंटरफेस पे इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें से लिबर्टी हासिल है ही इज़ द इंचार्ज डोंट टेस्ट यूजर्स मेमरी इफ यू वॉन्ट डू दिस प्रेस दिस इफ यू वॉन्ट डू दिस प्रेस दिस दिस इज द कोड ऑफ दिस थिंग दिस इज द कोड ऑफ दैट थिंग आपने इतनी सारी कीज़ बता दी शुरू में अपनी हेल्प के अंदर आपने इतने सारे कोड बता दिए कि अब जो है ना इसका मतलब है कि जब जब आप यूज़र आपका इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक लिहाज से उसकी मेमरी का टेस्ट ले रहे हैं कि आया ये इतनी चीज़ें याद कर सकता कि नहीं कर सकता और बाद में फिर वो गलतियाँ करे ओह मैंने गलत कमांड प्रेस कर दी मैंने वो सेव करने की कमांड प्रेस करनी थी मैंने तो डिलीट की कमांड प्रेस कर दी आई लाइक दैट कहने का मतलब ये है कि इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द यूजर मेक इट मिनिमम और ऐसा करें कि बल्कि उन चीज़ों को लेट दम बी अ पार्ट ऑफ यूजर मेमोरी बाय दम आप उसे कोई चीज़ याद करने में मजबूर ना करें बल्कि फ़र्ज करें उसके लिए कोई मेन्यू है या कोई बटन है वो जब प्रेस करे साथ ही उसमें लिखा हुआ कि भाई ये इसकी कमांड भी है तो ऐसा ऐसा यूज़र जो है यूज यूज़ यूज करते करते वो ख़ुद ब खुद ट्रेन हो जाए कि इस काम के लिए तो मैं ये कीजी प्रेस कर सकता हूँ तो यूज़र को डाटा एंट्री करते हुए या इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा उसकी मेमरी पे ना डिपेंड कीजिए ना उसकी मैमरी का इम्तहान लें कि वो उसके बगैर कंप्यूटर का सही तरह इस्तेमाल ही ना कर सके मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि कोड्स की कोड एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बे अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है तो वन थिंग इज़ के आपको किसी एक एट्रीब्यूट में फ़र्ज करें कि यू हैव टू एंटर द कोड ऑफ समथिंग तो आप यूजर से ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तमाम से अगर वो छः सात चीज़ें भी हैं तो वो उनके कोड याद करेगा एक बात या वो कोड की लिस्ट बना के अपने टेबल के ऊपर रख ले और जब उस एट्रीब्यूट में डाटा एंटर करना हो तो वो यहाँ से देख के एंटर नो आप सिंपल सी बात है कि आप उसको जिस एट्रीब्यूट में वो कोड एंटर करना है वहीं पे उसको एक लिस्ट दे दीजिए वो उस लिस्ट में सेलेक्ट करें और जब कुछ अरसे तक वो इस्तेमाल करेगा यूज़र उस सिस्टम को उस ऑप्शन को यूज़र विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर कि भाई इस चीज़ का ये कोड है तो बाद में बेशक कोई करता रहे और अगर जब वो याद भी कर ले तो उसको कन्फर्मेशन के लिए भी आप उसको कोई सपोर्ट दें ताकि जो उसके एरर के चांसेस हैं वो कम से कम हो सकें अदरवाइज़ ये मत करें कि यूज़र पे एक अजीम बोझ लाद दें कि पहले तुम बैठ के पाँच छः दिन में ये सब चीज़ें याद करो उसके बाद तुम आके मेरा सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू करो डोंट डू दैट क्योंकि यूज़र इसको पसंद नहीं करेगा बी कंसिस्टेंट अगर आपने कोई कन्वेंशन या कोई एक अप्रोच अडॉप्ट कर ली है तो कोशिश ये करें कि वो उस तरह की या जो सिमिलर सिचुएशन हैं बाकी जगहों पर भी वहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो इससे यूज़र जो है वो आपके सिस्टम के साथ ओवरऑल जो आपके पूरा सिस्टम है उसके साथ जल्दी ही हो जाएगा Should be processes based rather than the data structure based. Dear students, you have seen that hamara database design process tha, usme humne different have uh, create different entity types, we relationships, and then we transformed them into the tables, into the relations, and then we implemented those relations in the form of tables using any uh, DBMS. Now, data entry, hai, obviously the data has to be stored in the tables. आप ये मत करें कि आप जो फॉर्म अपने बनाए डाटा एंट्री करने के लिए उनको आप टेबल ओरिएंटेड करें कि ठीक है पहले तुम इस टेबल में डाटा एंट्र कर लो फिर इस टेबल में कर लो अब फर्ज किया आपने टेबल ए में कर लिया उसके बाद आप कहें जो टेबल ए से रिलेटेड टेबल सी में करना था अब तुम टेबल सी में कर लो नहीं ऐसा ना करें बिकॉज इट विल क्रिएट डिफिकल्टी फ्रॉम द फॉर द यूजर कि उसे याद करना पड़ेगा कि मैंने इस टेबल में कर लिया मैं उसको लिंक करूँ फ्रंट टेबल से नॉट लाइक दैट या उसे यह याद करना पड़े कि मैंने फ्लॉ काम के लिए टेबल ए में तो डाटा एंटर कर लिया है नो मुझे टेबल सी में भी डाटा एंटर करना है और अगर वो भूल जाए तो एक डाटा जो पार्टली एंटर हो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा हो कि आपका जो डाटा एंट्री है वो प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए एक एनवायरमेंट में एक सिस्टम में जैसे एक प्रोसेस चलता है नो फ्रॉम योर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इफ दैट प्रोसेस इन्वॉल्व थ्री फोर और फाइव टेबल्स लेट दम बिकॉज आई टोल्ड यू यूजर हैव नो कंसर्न विद द अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर कि यह जो एक फॉर्म है इसमें जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूं आइए ये एक ट्रिबल में जा रहा है दो में जा रहा है तीन में जा रहा है या दस में जा रहा है ये दस से आ रहा है यूजर हैज नो कंसर्न विद डैट तो इसलिए आप अपने डिजाइन की जो सहूलत है जो उसकी जो प्रायोरिटी है उसको आप ना रखें बल्कि जो एक एन्वायरमेंट के अंदर जिसके आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें अगर जिस तरीके से डाटा एंटर हो रहा है उसको आप प्रायोरिटी दें ताकि यूज़र ये इसमें इजी फील करे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि हम किसी जगह पे लेट्स से हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट सेंटर कर रहे हैं और उसमें हमने ये कहा कि हम जिन कोर्सेज में उसको एनरोल कर रहे हैं वो कोर्सेज़ जो हैं वो होने चाहिए या जिन प्रोग्राम में एनरोल्ड है जाहिर है कि आपको लिंक करना होगा किसी प्रोग्राम के साथ फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट जो है वो ऐसा आ जाता है वो ऐसे प्रोग्राम में एनरोल्ड है कि जिसको अभी हमने एंटर नहीं किया हुआ वेल दैट कोर्स इज़ बीग ऑफर्ड इन द इंस्टीट्यूट इन द यूनिवर्सिटी लेकिन अभी हमने डेटा बेस एंटर नहीं किया हुआ अब जो आपका यूज़र है फ़र्ज़ करें उसने स्टूडेंट का आई स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट का फादर नेम एड्रेस सब एंटर कर लिया हुआ है अब जब प्रोग्राम नेम एंटर करने पर आता है तो जिस प्रोग्राम में ये स्टूडेंट एनरोल है ये प्रोग्राम आपके डाटा डेबे से मौजूद नहीं था अब वे इसके वहां पर नजर नहीं आ रहा ये, ये एंटर नहीं हो सकता तो डोंट आस्क योर यूजर कि कैंसिल ऑल द डाटा दैट यू हैव एंटर्ड सो फार गो बैक टू द प्रोग्राम टेबल पहले इस प्रोग्राम को एंटर करो फिर दोबारा यहां पे आओ तो जो डाटा एंट्री उसने अभी तक की हुई थी पांच छः सात फील्ड में दैट ऑल गोज वेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि उसके ऐसी इन्वायरमेंट हो कि आप या तो उसको यहीं पर नया प्रोग्राम एंटर करने की फैसिलिटी दें या फॉर द टाइम बेंग इसको थोड़ा सा आप किसी तरीके से मैनेज करके इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दें और बाद में सम हों यूजर को इंटीमेट कर दें कि भाई आपने इसमें एक अभी प्रोग्राम एंटर करना है कि ऐसा ना हो कि यूजर फील करे कि नहीं ये तो मैं एक अजीब मुसीबत फंस गया हूँ पहले मैंने छह एंटर किए तो इसकी वजह से फंस गया दोबारा गया इसको सेट किया दोबारा वो सारे एंटर किए दसवें फील्ड में जाकर फिर फंस गया फिर दोबारा सारा डाटा कैंसिल हो गया नॉट लाइक दैट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इट कुड बी सिंगल पेज वर्सेज मल्टीपल पेजेस यानी बाज़ ऐसा भी होता है कि आप जब आप एक प्रोसेस के अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट यू आर आस्किंग यूज़र टू एंटर द डाटा फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आप एक तो ये कि आप तमाम डाटा जो है उसको एक ही पेज के ऊपर डाल दें ठीक है दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप एक यानी आप पेज पर पे जो डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर लें और फिर वो उनमें से बारी बारी एक एक को एक्टिव करके उनको मैनेज करें इस अप टू यू कि आप बहुत ज्यादा उसको कंप्लेक्स ना कर दें एक ही पेज को कि फर्ज करें किसी उस पर एक फॉर्म पे लड़ सके साठ एट्रीब्यूट मुख्त एंटर करने थे तो बजाय इसके कि आप साठ के साठ को स्क्वीज करने की कोशिश करें कि फॉर्म पे और शायद आप कामयाबी हो जाए बट द फॉर्म बिकम सो कम्प्लेक्स के उसको समझना और किस जगह क्या हो रहा है वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट उसके बजाय ये हो सकता है कि आप या तो मल्टीपल विंडोज बना लें कि पहले एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो तीसरी यूं आ जाए या ये हो कि आप एक फॉर्म डिजाइन करें और वो उसकी डिफरेंट सब पार्ट्स को आइकन्स की शक्ल में या ऑप्शन की शक्ल में शो करें एक सेलेक्ट करें तो उसके लिए विंडो आ जाए उस पर डेटा एंड करवाएं उसको मिनिमाइज करके फिर दूसरी को सेलेक्ट करें एंड लाइक दैट तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है कि आप अगर सिंगल पेज सूटेबल नहीं है तो मल्टी पेज जो आप ऑप्शन हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं हमने द कंसेप्ट डाटा बेस डिज़ाइन डैट वॉज इन दी आर डाटा मॉडल और उस केस में हमने कहा कि उसमें जो एंटिटीज थी और जो उनके रिलेशनशिप्स थे उनको हमने फॉर्म कर लिया था टेबल्स के अंदर लेकिन यहाँ पर यह है कि उसी रेफरेंस से बात हो रही है कि अगर आपने कुछ एंटिटीज़ और उससे जो रिलेटेड बाकी एंटिटीज़ थी उनमें अगर डाटा एंटर करना है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए तो एक पहली बात तो यह कि अगर फर्ज करे सिर्फ सिंगल एंडिटी है कोई एक सिंगल एंडिटी है उसमें अगर आपने डाटा एंटर करवाना है एक ऑप्शन तो यह है कि उसको आप सिंगल पेज के ऊपर ही रखें और दूसरी बात यह है कि अगर बास केसेस में आपके पास होती है हरकीज़ ऑफ़ एंटिटीज के एक चीज़ है उस सेलिंग दूसरी एंड लाइक और दिसरी एंड लाइक दैट तो उस केस में भी अगर अगर इतनी वो उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है कि वो अगर एक पेज पे आ सकती हैं तो उनको एक पेज पे ले लिया या एक स्क्रीन पे ले लें एक फॉर्म पे ले लें और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको मल्टीपल फॉर्म्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं खाली तौर पर अगर आप ये देखें और दिस इज़ एन एक्जाम्पल ऑफ सिंपल एंटिटी कि आपने एक आपके पास एंटिटी कहें इसको या आप उसको टेबल कहें उसमें डाटा एंटर करवाना था तो आपने क्या किया कि आपने उसके जो डिफरेंट फील्ड्स थे उनको प्लेस कर दिया आप सामने और जो उस पर डिफरेंट ऑप्शन हो सकती थी वो प्लेस कर दी तो इसमें आपने यानी एक आपने कर लिया कि आपने उसको एक एंडटी इस पर स्टोर कर लिया या रिप्रजेंट कर दी और हरकिस की एग्जांपल ये जो हम पहले देख चुके हैं इसमें अगर आप देखिए कि टॉप के ऊपर हमारे पास है प्रोग्राम के बारे में यानी जिसे हमने कहा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है उनकी डिटेल है हमारे पास यहाँ पे तो टॉप पे प्रोग्राम प्रोग्राम का डाटा आ गया उसके बाद जो उससे रिलेटेड या उस प्रोग्राम में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनका डाटा आ गया और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है में है कि हर स्टूडेंट जिस कोर्सेज में एनरोल्ड है वो कोर्सेज आ गए अब इसमें देखें कि आप किसी भी लेवल पर किसी भी हायर लेवल पर जब चेंज करेंगे तो जो लोअर लेवल्स हैं दे विल ऑटोमेटिकली चेंज मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप प्रोग्राम नेम को देखें यहां पे इस वक्त जो प्रोग्राम नेम सिलेक्टेड है दैट इज बी तो इससे जो रिलेटेड आपके पास जो नीचे वाला आपके पास फॉर्म का पार्ट है जो नीचे वाला हर में नेक्स्ट लेवल है उसमें आपको इस वक्त स्टूडेंट टेबल से वो नजर आ रहे हैं रिकॉर्ड हु आर एनरोल्ड इन द बी प्रोग्राम एक बात एंड इफ यू गो फर्दर लो तो जो आपके पास कोर्सेज का नीचे जो तीसरे लेवल पे आ रहा है जिसमें कि स्टूडेंट आई डी कोर्स कोर्ड समेस्टर नेम वगैरह आ रहा है इसके अंदर वो एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है जिन कोर्सेज में वो अनरोल्ड है वो आपको वो नजर आ रहे हैं अब इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट का आपका जो लेवल है जहाँ पर आपको जो स्टूडेंट का टेबल है जो फॉर्म का पार्ट जो कि स्टूडेंट को रिप्रजेंट कर रहा है अगर आप यहाँ मूव करते हैं तो जो रेलेट जो उससे रेलिवेंट कोर्सेज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त द कंट्रोल इज़ ऑन स्टूडेंट एस वन जीरो टू ज़ीरो तो नीचे जो कोर्सेज नजर आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं कि चूँकि उसमें जो स्टूडेंट आई डी है कोर्सेज uh, वाले में वो एस वन जीरो टू जीरो ही है इसका मतलब है कि जो आपका स्टूडेंट ये है सुहेल डार वो इन कोर्सेज में एनरोल्ड है अगर आप इसको एक स्टेप नीचे ले आए करें स्ट्रेफ यू ब्रिंग इट टू एस वन जीरो थ्री एट शोए अली पे तो जो नीचे कोर्सेज़ होंगे दे विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली चेंज जो शोबली के कोर्सेज वो आ जाएंगे तो ये चीज़ें आप इस तरह से लिंक होती हैं लिंक होनी चाहिए और ये लिंक जो है वो आपको जो फॉर्म्स के टूल्स हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपस में लिंक इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इसी तरह फ़र्ज़ चेंज द कंट्रोल ऑन द टॉप लेवल प्रोग्राम लेवल पे तो अगर आप प्रोग्राम लेवल पे चेंज करेंगे तो अगर वहाँ पे चेंज होती है तो जो स्टूडेंट का लेवल है उस पर ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि एम सी में या उस प्रोग्राम में इनरोल्ड है क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं जो आपका रिकॉर्ड टॉप पे होगा उससे रिलेटेड रिकॉर्ड ही आपको नेक्स्ट लेवल पर नज़र आएंगे और इसी तरह जो आपका कोर्सेज लेवल पे जो स्टूडेंट में टॉप पे स्टूडेंट होगा उसके जो कोर्सेज इनरोल्ड हैं आपको वो स्टूडेंट नजर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आप जिस वक्त एक फॉर्म के ऊपर डिफरेंट डाटा जब प्लेस करते हैं यूज़र को शो करने के लिए या उससे कोई चीज़ रिसीव करने के लिए कभी ऑप्शन लेते हैं कि इस वक्त यूज़र क्या करना चाहता है या कोई डाटा लेते हैं तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिस चीज़ के ज़रिए उसे जनरली कंट्रोल कहा जाता है विंडोज़ की लैंग्वेज में तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो कौन कौन से जिनके तहत के आप जिनके जरिए आप इन फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं या इन फॉर्म को बिल्ड करते हैं देर आर सो मैनी ऑफ देम लॉजिकल वैल्यूज के लिए मिसाल के तौर पे ये आपको नजर आ गया कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहां चेक चेकबॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि जो आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी या आप ये टॉगल बटन को कहते हैं कि जिस जिसपे प्रेस जो आपने सेलेक्ट करनी है उसको प्रेस कर लेंगे तो ये भी आपका एक ऑप्शन है सेट ऑफ वैल्यूज अगर आप पास मल्टीपल वैल्यूज में से कुछ आपने सेलेक्ट करना है या मल्टी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस केस में आप एक वक्त में एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं बट इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज़ उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल है मिसाल के तौर पे जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास हैं यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्सेस और लिस्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये टर्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप माइक्रोसॉफ्ट टर्नोलोजी कह सकते हैं मिसाल के तौर पर विजुअल बेसिक के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप ये टर्नोलोजी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह राइट साइड पर जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें हमारे पास ऑप्शन बटन ग्रुप है कि इसमें से आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं या इसी तरह जो हमारे पास एक टॉगल बटन ग्रुप है कि मल्टीपल आपने दिखा दी उनमें से आपको एक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये वो है कि जब आप पास सेट ऑफ वैल्यूज है किसी एक वैल्यू गेंस और उनमें से आप एक या मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं अब ये आपको नजर आ रहा है जैसे यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो इस तरह से जो लिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज है उनका इस्तेमाल करता है और इनमें से आप कोई एक या मल्टीपल वैल्यूज जो है वो साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और इनका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स के लिए डेट्स के लिए और टेक्स्ट के लिए नॉर्मली आप टेक्स्ट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं अगेन टर्मिनोलॉजी ऑफ वीबी या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेकिन डेट के लिए तौर पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वी बी की बात करें तो उस केस में आपको बाज़ स्पेशल कंट्रोल जो है वो भी इन्होंने डिज़ाइन किए आपको मिल जाते हैं यानी इसमें ये होगा कि आपने अगर डेट सेलेक्ट करनी है तो बजाय इसके कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप डेट टाइप करें वो ये हो सकता है कि आपके सामने इस तरह से कैलेंडर आ जाएगा और उस कैलेंडर में से आप टॉपरेट साल भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप महीना सेलेक्ट कर सकते हैं आप पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके तो उस तरह से आप एक पर्टिकुलर जो डेट टाइप का एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू इन कर सकते हैं इस तरह अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम भी यहाँ से आप पर्टिकुलर टाइम जो है वो कर सकते हैं जब आप बात करते हैं टेक्स्ट की तो टेक्स्ट में यह है कि नॉर्मली तो वो जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेज है उसी के जरिए होता है लेकिन उस पर आप दफ़ा जो इनपुट मास्क के जरिए कह लें या जो चेक कॉन्स्ट्रेंट है उसके जरिए आप उस पर डिफरेंट जो है वो रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे पहली बात तो उसकी लेंथ की ही है कि आप उसकी लेंथ को लिमिट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप देखें कि आप उसमें सिर्फ अल्फाबैट uh, आते हैं या सिर्फ डिजिट uh, आते हैं या उनको मिक्सचर चाहते हैं तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर आप रेंज का चेक लगा सकते हैं और इस तरह मुख्त आप चेक लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन डिवेलपिंग द इंटरफेस कि आपने जो डाटा है उसकी इंटैग्रिटी को मेनटेन करना है जो डाटा data, डेटाबेस में जा रहा है इट शुड बी हंड्रेड परसेंट करेक्ट एंड एक्यूरेट डाटा और इसमें जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम कह सकते हैं कि एक तो बेसिक रूल्स हैं और उनको हम ये कहेंगे कि बेसिक रूल्स में से वो रूल्स के जिनको आप डाटा मॉडल के अंदर डिफाइन किया हुआ है या नेक्स्ट स्टेज पे आप किसी हद तक कह सकते हैं जो डी बी के अंदर है हैं तौर पर जो आपके रेफ्रेशर इंटेग्रेटी कंस्टेंट्स हैं दो वो या जो आप दे आर डेफिनेटली द बेसिक रूल्स एक सेकेंडली जब आप डाटा टाइप डिफाइन करते हैं या जो डिफरेंट डेटा बेस के डिज़ाइन के दौरान जो आप कॉन्सटेंट डिफाइन करते हैं दे आर अमंग द बेसिक रूल्स और वो रूल्स बिजनेस के मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि फ़लह दिन में जो प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं होनी चाहिए या एक जो मैनेजर है उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए एक्सपीरियंस ये होना चाहिए या अगर हमारे पास जो मेरिट है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है ये तमाम बातें ये इनको अगर हम जनरल बिजनेस अदरवाइज़ बिजनेस रूल कहें तो इनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग के जरिए वट जो डाटा आपको डेटाबेस में जा रहा है वो ठीक होना चाहिए यू हैव टू एंश्योर हंड्रेड परसेंट दिटी ऑफ द डाटा डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं आज हमने बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट की है एप्लीकेशन पे और उसमें हमने जो फोकस रखा था आज के लेक्चर में वो था यूज़र इंटरफेस या फॉर्म्स की डिज़ाइनिंग पे और हमने ये पढ़ा कि यूज़र इंटरफेस जो हैं दे आर क्रिटिकल क्यों क्योंकि यूज़र का जो एंड यूज़र है उसका जो कंसर्न है उसके जो इंट्रैक्शन है आपके डाटा के साथ वो थ्रू इंटरफेस है थ्रू फॉर्म्स है उसमें जो डिफरेंट रिकमेंडेशन हैं डिफरेंट जो गुड प्रैक्टिसज हैं हमने उनको डिस्कस किया और जो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एक फॉर्म है उसके में किस किस तरह के जो कंट्रोल्स हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और किस सिचुएशन में उनको इस्तेमाल करना चाहिए अब इनकी जो एक एग्ज़ाम्पल है फॉर्म डिज़ाइन की डिफरेंट एग्जाम्पल हम करेंगे अपने आइंदा लेक्चर में अब हम आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफि